मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत चंद्रनगर में आंगनवाड़ी की घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। भारत में तीसरी लहर का बहुत ज्यादा प्रकोप है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से जिम्मेदारों के घोर लापरवाही। तहसील राजनगर की ब्लॉक की महिला बाल विकास की अधिकारी रजनी शुक्ला, परियोजना अधिकारी की मौजूदगी में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद, जबकि उनको मालूम है कि बमीठा में 3 कोरोना मरीज पाए गए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना को न्योता देते हुए बच्चों की भीड़ इकट्ठी की गई की लापरवाही देखने को मिली। जब मीडिया में संज्ञान आने के बाद हरकत में आए आनन फानन में उल्टा जिम्मेदारी का ठीकरा मीडिया पर आने लगे। यह जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी भी है, जन जागरूकता को लेकर। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि देश में अगर तीसरी लहर का कहर बढ़ता है, इस तरह से लापरवाही में होती रहेंगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्षेत्र में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता है या कोई नुकसान होता है तो कौन होगा जिम्मेदार। रवि गुप्ता, बुंदेली न्यूज, बमीठा चंद्रनगर। सेंटर के साथ तालमेल रहता है आप कैसे? जी ऐसा करके हम भाई आंगनबाड़ी वर्कर कि मैं जनसंख्या वो गर्भवती महिलाएँ हैं वो सारी ही हमारे आंगनबाड़ी सेंटर वाली। ठीक है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट आंगनबाड़ी का अलग है और इनका आशा वर्कर के लिए सब सेंटर का अलग है या एक ही फॉर्मेट? रिपोर्ट तो अलग अलग है, पर कौन सा कार्यक्रम इधर पर कर रहा है थोड़ा बताइए। मेरा नाम रजनी शुक्ला है और मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी हूँ। आज नीति आयोग के ज्वाइंट कमिश्नर का सर का वहाँ पर विजिट था, वो जो है नीति आयोग यहाँ की स्वास्थ्य पोषण और उसका विजिट करने आए हुए थे, जो कि हो गया है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। नहीं, आपको पता है कि 3 काल कोरोना पेशेंट निकले हैं बमीठा में। अगर बीमारी फैलती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी सैनिटाइजर रखा हुआ है, बच्चों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, मास्क भी बुलवाए हैं, लगाती हैं, बच्ची में निकाल देती हैं सैनिटाइजर। देश का सर्वोच्च, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये आपका जो है आंगनबाड़ी केंद्र माना जाता है, अगर यहाँ पर ही लापरवाही की जाएगी तो फिर कैसे क्या होगा बताइए। यहाँ पे लापरवाही नहीं की जा रही है। अब ये जो है, ये जो बच्ची है, महिलाएं हैं, ये आप ही के परिक्षेत्र से आई हुई है, तो कोरोना को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। तो शासकीय अधिकारियों का ही जो है कर्तव्य नहीं होता है कोरोना का, आप भी यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक है, आप भी लोगों को जागरूक करें, उनको मास्क सैनिटाइजर के बारे में बताएं। कोरोना जो है वो एक महामारी है, हम सबको ही उससे मिलकर निपटना है। तो जितना आप मुझसे कह रहे हैं जितने, ये एक बात हुई ना कि कोरोना का न्योता देना होगा, एक तो सारे लोगों को इकट्ठा करना। ये कोरोना को न्योता देना नहीं हुआ है, आज चूंकि BHND दिवस है, महिलाओं का रेगुलर वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पर बच्चों को जो है आंगनबाड़ी में खाना दिया जा रहा है, विजिट था, इसलिए सभी लोग आए हुए हैं। बाकी आप लोग भी जागरूक करिए। थैंक यू।